गाइस, जैसे कि लास्ट आपको लेक्चर पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट और डेटा को शो कराना सीखा था, तो आज जो है वो हम लॉगिन करवाना सीखेंगे। तो लॉगिन के लिए मैंने ऑलरेडी जो है लॉगिन का पेज बना चुका हूँ। तो अगर हम यहाँ से गो टू व्यू जाते हैं तो हमारे पास ये ऑलरेडी बन चुका है, जिसके अंदर हम दो चीज़ से यानी दो फील्ड से डेटा को देख रहे हैं कि इस तरह से हम लॉगिन करवाएंगे। आइदर हम ईमेल के थ्रू करवाएंगे या पासवर्ड के थ्रू करवाएंगे। सो हम यहाँ पर आते हैं अपने कंट्रोलर में। इस तरह से आपको पता है कि इंसर्ट या अपडेट हम करवाते हैं तो हमारे पास पोस्ट मेथड पे वो सिक्वेंस होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक लॉगिन का मेथड बना हुआ है, जिधर से हम व्यू को लोड करवाएंगे। सेकंड जो है तब वर्क करेगा जब हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। तो हम एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी मदद से हम अपनी क्वेरी को ट्रिगर करेंगे। वार डी वी ओबीजे के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इक्वल्स टू क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डी बी डॉट एम्प्लॉयज डॉट बियर, क्योंकि बियर की क्वेरी लगानी है। बियर के अंदर यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन पास होगी, लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए हम लिखेंगे ए डॉट ईमेल इक्वल्स डॉट इक्वल्स मेथड मिलता है हमें यहाँ पर इक्वल्स। और यहाँ पर इक्वल्स के बाद अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसके अंदर अपने यहाँ मेथड के अंदर इससे और इस वैल्यू को मैच करवाएंगे जो हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है डॉट ईमेल। और साथ में हमें एंड से ये भी पासवर्ड को भी मैच करना, तो हम यहाँ एंड ऑपरेटर लगाएंगे ए डॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट पासवर्ड डॉट इक्वल्स, यहाँ पर वो अभी सिंगल डिफॉल्ट का मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा इफ़ हमारे पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओबीजे नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ओबीजे नल नेट मींस कि हमारा पेज जो है मकसद कि हमारा जो क्यूरी है वो सही से रन हो गई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सेशन क्रिएट करेंगे। सेशन सेशन का यहाँ पर नाम होता है यूजर आई डी इक्वल्स टू ओबीजे डॉट, यहाँ से हम उसका ईमेल उसकी आईडी ऐड कर लेंगे और एक और सेशन बनाते हैं जिसमें हम उसका यूजर नेम जो है वो ऐड कर लेंगे। तो यूजर नेम इक्वल्स टू ओबीजे डॉट एमपी नेम। सो हमने सेशन बना लिया और लास्टली हम इसको रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन करवा देंगे रिडायरेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर करना था रिडायरेक्ट टू एक्शन और इसको हम भेज देंगे डैश बोल के पेज पे। तो यहाँ से हमने ये काम कर लिया और यहाँ पर आपका हमें डैशबोर्ड लिखने के बाद इधर एक रिटर्न करवाते हैं व्यू को, हमने व्यू रिटर्न करवा दिया है। और सिमिलरली अब ये व्यू के अंदर हम ऐड व्यू में चेक कर रहे हैं और यहाँ पर डैशबोर्ड के पेज के ऊपर डैशबोर्ड और यहाँ पर हम चेक करें अगर सेशन नहीं होगा, अगर सेशन नहीं होगा तो हम पी टैग के डैश फोर हेडिंग के अंदर प्रिंट करवा देंगे सेशन एट द रेट सेशन का एन कैपिटल रखा था हमने। सी यहाँ से जाके हम देखते हैं कि हमने यूज़र नेम जो था उसको स्मॉल ही रखा है। यहाँ से मैं एन को स्मॉल कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं। लेकिन अभी एक इशू है कि अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो ये पेज डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते। अगर सेशन ना क्रिएट हो तो हम इस पेज पे नहीं आना चाहते, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर चेक करेंगे सेशन सेशन यूज़र आई डी इक्वल्स टू नल, अगर ये नल के बराबर हो क्या कर दो
सिंपल टर्म करवा दो, डायरेक्ट लोकेशन, और इसको भेज दो आप लॉगिन के एक्शन मेथड पे आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि अगर इन केस हम लोग डायरेक्ट डैशबोर्ड के पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या वो रन होगा या नहीं होगा। तो गूगल क्रोम पे आते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस चीज़ को हम चेक करते हैं। हम देखें यहाँ पर डैशबोर्ड पर हैं, लेकिन ये डैशबोर्ड पे जाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास सेशन क्रिएट नहीं हुआ हुआ। सो ये लोडिंग कर रहा है आपके पास, जब ये लोड कर लेगा तो इसे हमें लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर आप देखें कि ये हमें लॉगिन पेज पे लिया है, फाइनली ये लोड हो गया है। तो ये डैशबोर्ड के पेज पे नहीं गया, लेकिन ये हमें कहाँ लेकर आया है, यहाँ इस पेज के ऊपर लेकर आया है। अगर अब हमें चेक करना है कि हम सही से लॉगिन हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस में ये चेक करना होगा कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर किस नाम से हमने डेटा को सेव करवाया हुआ है। तो मैं यहाँ से शो टेबल डेटा करता हूँ, शो टेबल डेटा, तो हमारे पास यहाँ पर बिलाल और BI125-1234 के नाम से यहाँ पर सेव है। तो हम इसी बिलाल यूज़र, जो हमारा यूज़र है बिलाल, इसी को लॉगिन करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आके मैं इसको ब्राउज़र पे रन करता हूँ, ब्राउज़र पे रन करते हैं तो हम लिखेंगे bilal@gmail.com और साथ में bi.bi1234 जो है वो हमारे पास इसका पासवर्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है bilal@gmail.com और bi1234, तो इसको चेक करते हैं। ये लोड हो गया है, तो यहाँ से हम लिखते हैं bilal@gmail.com bi1234 और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो इसे हमें डैशबोर्ड के पेज पे भेज दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पर डैशबोर्ड का पेज आ गया है और डैशबोर्ड के पेज के ऊपर बिलाल का नाम, जो कि हमने एम्प्लॉय का नेम यहाँ
पर शो करवाया था वो हमारे पास शो हो रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम लॉगिन साइन लॉगआउट कैसे करेंगे और किस तरह से हम पासवर्ड को इंक्रिप्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को कवर करेंगे।